हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हो आप सभी, और हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ यू। ये चेयर कवर मैंने धोए थे, सूख गए, तो इनको बस मैं वापस चेयर पे लगा दूंगी। एक्चुअली ये सब जो एक्स्ट्रा काम होता है ना, जब मेरे पास थोड़ा भी एक्स्ट्रा टाइम होता है, मैं तब करती हूँ। बिकॉज रोज़ के जितने काम होते हैं ना, उसके लिए तो मैं सच बोलूँ आपको, काम इतने होते हैं कि दिन के 24 घंटे भी कम पड़ते हैं। भगवान को हाउसवाइफ्स के दिन में 30 घंटे बनाने चाहिए, जिससे वो कुछ 4-6 घंटे अपने लिए जी सकें। क्योंकि आप काम तो मतलब करते रहिए करते रहिए करते रहिए, आप थक जाएंगे, काम ख़त्म नहीं होगा। एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन अस कि अपने को कितना काम दिखाई दे रहा है, उतना ही काम आपके लिए घर में तैयार है। बाय द वे, मैं फ्रिज साफ़ करने लगी थी, क्विक क्लीनिंग दे रही थी, डीप क्लीनिंग नहीं कर रही हूँ। डीप क्लीनिंग कैसे करती हूँ मैं रेफ्रिजरेटर की, इसका मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। मैं सिर्फ यहाँ एक टचअप सा दे रही हूँ, पर अगर आप डीप क्लीनिंग नहीं कर रहे हैं, टचअप भी कर रहे हैं, तो भी फ्रिज साफ़ करने में आपको लगता है कि मैं ये काम 10 से 15 मिनट में कर लूँगी, पर ट्रस्ट मी गाइस, आधा घंटा तो कहीं नहीं गया। पूरे फ्रिज की एक एक चीज़ निकालना लगाना है, मतलब मैं फिर वही कह रही हूँ, सिर्फ अगर आप टचअप भी दे ना, तो भी आराम से आपका आधा घंटा तो लग जाएगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि मैंने आज फ्रिज को यू नो थोड़ा मोड़ा सा क्लीन कर लेना है, बस मैं यहाँ पे ना सारी चीज़ें एक बार निकाल लूँगी, क्योंकि अगर अंदर रखी रहेंगी चीज़ें तो फिर तो नहीं हो सकती है सफाई। और फ्रिज में मेजरली जो सफाई करनी होती है, वो इन रैक्स की करनी होती है जिनके ऊपर सामान रखा जाता है, तो इसलिए भी इसको खाली करना ज़रूरी है। एंड ऑल्सो ये जो साइड में जो आप देख रहे हो ना, स्टैंड जैसे जिसके ऊपर ये रैक्स सेटल होते हैं, उनको साफ़ करना ना भूलिए, वहाँ पे धीरे धीरे है ना बहुत गंदगी जमा हो जाती है। तो मैंने रैक्स क्लीन कर लिए हैं, इसके बाद मैं लगा दूंगी यहाँ पे मैट और सारी चीज़ों को वापस जगह पे रख दूंगी। जब आप चीज़ें वापस रखते हैं ना जगह पे, तो थोड़ा सा ध्यान दिया कीजिए कि उनमें से कोई चीज़ एक्सपायर्ड तो नहीं हो गई है। लाइक थोड़ा सा आपके जो ग्रॉसरी पैंट्री है, आपने जो भी स्टोर किया है सामान फ्रिज में, एक बार उसमें हाथ निकाल लीजिए। थोड़ा ध्यान रहे आपको कि कितनी चीज़ें वहाँ पे सही हालत में हैं, कितनी चीज़ों को फेंकने का या ख़त्म करने का टाइम आ गया है। कभी कभी क्या होता है, फ्रिज में कई चीज़ें पीछे रखी रहती हैं और उसको हम यू नो थोड़े टाइम बाद भूल जाते हैं। तो जब आप फ्रिज साफ़ करते हो इस तरह हफ्ते 8-10 दिन में, तो आपके नज़रों से होके सारी चीज़ें गुजर जाती हैं और इस तरह वेस्टेज के चांसेस बहुत बहुत कम हो जाते हैं। और आपने नोटिस किया होगा, जब हम अपने घर को, स्पेशली फ्रिज और किचन को इस तरह हफ्ते 10 दिन में टचअप देते रहते हैं ना, तो हमारे घर में वेस्टेज बहुत कम होती है। तो बस सफाई करके मैं आ गई हूँ और मैं बनाने लगी हूँ तिल भुग्गा। मकर संक्रांति इज़ अराउंड द कॉर्नर। वैसे तो तिल की रेसिपीज़ आप पूरी सर्दी कभी भी बना सकते हैं, पर संक्रांत के अवसर पर ज़्यादा ही मज़ा आता है, रस्म भी है, रिवाज भी है, तो इसलिए मैं तिल भुग्गा बना रही हूँ। वेरी ईजी बट वेरी फेमस एंड टेस्टी रेसिपी है, ये रेसिपी आपको दूंगी। तो भुग्गा के लिए चाहिए होता है मावा, मैं बाहर से मावा नहीं लाई हूँ, घर पर ही बना रही हूँ। इसके लिए दूध की मलाई ली है मैंने और उसमें डाला है थोड़ा सा मिल्क पाउडर। वैसे जो घर में मावा बनता है उसकी रेसिपी मैं कई बार आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप अगर रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते हैं तो आई एम 100% श्योर कि आपको ये रेसिपी आती होगी, इट्स वेरी इजी। और बस आपको ध्यान इतना रखना है कि आपको बहुत सूखा सूखा मावा नहीं बनाना है, थोड़ा सा सॉफ्ट ही मावा भूनिएगा, क्योंकि अगर बहुत सूखा मावा बना देंगे ना, तो वो आगे भुग्गा को बाइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत देगा। यूँ तो उसमें तिल होता है, तिल में तेल होता है, तो आज सच डिफ़िकल्टी नहीं होने वाली, बट मावा सॉफ्ट रखेंगे तो भुग्गा आपका बहुत अच्छा बनेगा और आसानी से बनेगा। जब ये फिनिश होने आया है तो मैंने इसमें डाला एक
एक चम्मच घी, आप चाहे तो एक चम्मच घी यहाँ डाल लीजिए, या तो फिर जो तिल और मावे का मिक्सचर बनाएंगे उसमें ऊपर से डाल लीजिए। बेटर है कि यहाँ मावा में डाल लीजिए, इससे ना आपका मावा टेस्टी भी बनेगा, सॉफ्ट भी बनेगा और भुग्गे भी अच्छे बनेंगे। बस इसको थोड़ी देर चला लीजिए, ध्यान रखिए इसको ब्राउन नहीं बनाइएगा, भुग्गे सफ़ेद होते हैं तो आपका मावा सफ़ेद रहना ज़रूरी है। इसको स्लो टू मीडियम फ्लेम पे चला चला के पकाते रहिए। आप देख सकते हो मावे जैसा दिखने लगा है, मैंने गैस बंद कर दिया है और बस मैं इसको थोड़ी देर और चलाऊंगी क्योंकि पैन गर्म होता है ना, इसके बाद मैं फिर इसे थाली में ट्रांसफ़र करूंगी और थोड़ा थोड़ा सा फैला के रख दूंगी जिससे ये जल्दी से ठंडा हो जाए, क्योंकि चीनी हम जब ऐड करेंगे तो गर्म मावे की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब तक मावा ठंडा हो रहा है यहाँ पर तिल भून लेंगे हम सफ़ेद वाले, और तिल को ड्राई ही भुना जाता है, इसके लिए किसी तेल वेल की ज़रूरत की जरूरत आपको नहीं है। ज़्यादा नहीं भूनिएगा, इन्हें ओवर नहीं करना है कभी भी, वरना ये कड़वे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मावा ठंडा हो रहा है, तिल ज़रा से ठंडे होने के लिए मैंने रख दिया है, तब तक मैं थोड़े से नट्स का पाउडर बना लूँगी। तिल भुग्गा में बेसिकली जाते हैं बादाम, क्योंकि सर्दियों की डिश है ये, पर मेरे बादाम ख़त्म हो गए तो मैंने काजू ले लिए हैं, और थोड़ी सी चीनी का पाउडर हमको चाहिए। बस ये चार चीज़ें और ये एकदम यम्मी वाली मिठाई आपकी तैयार हो जाएगी, और इस संक्रांत के अवसर पर ज़रूर बनाइएगा, आप बहुत तारीफें पाने वाले हैं। तो चीनी मैंने पीस के रख लिया है, ड्राई फ्रूट्स को कोर्सली पीस लिया है, फाइन पाउडर नहीं बनाना है आपको, और जो तिल है मेरे ये ठंडे हो चुके हैं तो इन्हें भी मैं एक रफ सा पाउडर बना लूंगी, फाइन पाउडर नहीं बनाना है, थोड़े अधकचरे से आप इन्हें पीस लीजिए। और अभी आपको ये सारी चीज़ें जो हैं मिक्स करनी है एक साथ। और मेजरमेंट की अगर मैं बात करूँ तो मावा, तिल और चीनी तोल में सेम होने चाहिए, मतलब ग्राम्स में बिल्कुल सेम होने चाहिए, कटोरियों से मत नापिएगा क्योंकि तिल हल्के होते हैं, मावा भारी होता है, तो मिस गाइड हो सकते हैं आप, इसलिए ग्राम से देखिएगा। 100 ग्राम ही मावा, 100 ग्राम ही तिल, 100 ग्राम ही चीनी। थोड़ा मावा आप ज़्यादा रख सकते हो, 150 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक आपको अगर पसंद आता है तो डाल सकते हैं, बट कम से कम बराबर तीनों चीज़ें लीजिएगा, ग्राम में कटोरी में नहीं। और इसके बाद सारी चीज़ें जो हमने पीस भी ली हैं उनको मिला दीजिए। पहले स्पैचुला से मिक्स कर रही थी पर ये हाथ से ही अच्छा होता है, हाथों से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए, बहुत आराम से ये मिक्स हो जाएगा, बहुत प्यार से इसके लड्डू भी बनते हैं और खाने में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब खत्म हो गए, इतने यम्मी ये बनते हैं। तिल भुग्गे को आप किसी भी तरह का शेप दे सकते हैं, चाहे तो एकदम इस तरह से राउंड लड्डू जैसा बना सकते हैं, या चाहे तो इसे थोड़ा सा ना ऐसे फ्लैट कर लीजिए टिक्की जैसा, ठीक है। और ये वाला बहुत पॉपुलर शेप है, मोस्ट कॉमनली ऐसे ही बनाया जाता है। तो ये हो गया तिल भुग्गे का एक शेप। दूसरा क्या होता है, यूजुअली लोग मोस्ट कॉमन शेप है वो है यूजुअली इस तरह से बांध के, इस तरह रैंडम, ना ये गोल होता है ना इसका कोई और शेप होता है, तो तिल भुग्गे का एक ये शेप भी बहुत कॉमन है, बट मैं है ना सारे थोड़े से लड्डू जैसे बना रही हूँ। साल में खुशी। चलो ये मंदिर में रख के आओ और जय जय करना, लाओ मैं रखती हूँ, गो जय जय करना मत भूलना। और इसके ऊपर है ना फिर आपको डेकोरेट करना होता है बादाम से, यूजुअली आधे कटे हुए बादाम को ऐसे ऊपर चिपका देते हैं, आपने बाहर भी ऐसे ही देखा होगा, पर मेरे आज बादाम ही खत्म हो गए, सारा पाउडर भी मैंने जिसमें डाला है काजू का डाला है। तो बस आप भी बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसे बने, इंस्टाग्राम पे पिक्स शेयर कीजिएगा। सिर्फ दो चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, कि तिलों को ज़्यादा मत भूनना वरना वो कड़वे हो जाएंगे, और दूसरा सारे इंग्रेडिएंट जो आपको तोलने हैं ना वो ग्राम में लेने हैं, कटोरी के हिसाब से नहीं, वरना फिर मेजरमेंट ऊपर नीचे हो जाएगा। मैंने इन सबको लड्डू जैसा शेप दे लिया है और बहुत यम्मी वाले मेरे तिल भुग्गे हो गए हैं रेडी। तो ये फटाफट सी टेस्टी सी मिठाई हो गई तैयार, पर ये इसे डिनर में नहीं खा सकते ना यार, डिनर बनाना तो अभी भी बाकी है। तो तिल भुग्गे हो गए, इन्हें रख दूंगी मैं, अब कर रही हूँ डिनर की तैयारी। एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और आसान दाल की रेसिपी आज आपके साथ शेयर करूंगी, और एक मिर्ची का स्नैक, स्नैक नहीं है ये, एक अचार टाइप्स का है, बहुत इंस्टेंट वाला, ये दोनों ही ना माइंड ब्लोइंग है, आप जब बनाओगे इसके स्वाद
मैं आपको क्या बताऊँ, आप फैन हो जाओगे, इतनी इजी और टेस्टी वाली ये रेसिपीज़ है। बाय द वे दाल की तैयारी कर रही हूँ मैं, इसको सोक करूँगी पहले, फिर आगे चलेंगे। तो मैंने चार तरह की दालें यहाँ पे ली हैं, मूंग बिना छिलके की, मसूर और चने की दाल, अरहर की दाल। आपको इनमें से जो दाल ज़्यादा पसंद हो वो ज़्यादा लें, जो कम पसंद है वो कम लें, और चाहे तो चारों बराबर ले लीजिए। मैंने थोड़ा सा मसूर की दाल ज़्यादा रखी है, और दाल को मैंने धोकर रख दिया है सोक होने के लिए। तब तक मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे मिर्च वाली रेसिपी। मैं बना रही हूँ राजस्थानी मिर्च के टिपोरे। दाल भी आज राजस्थानी स्टाइल ही बनाऊँगी। मैंने यहाँ पे थोड़ी हरी मिर्च ली हैं, ये वाली जो मिर्चें हैं जो थोड़ी पतली है ना, ये थोड़ी तीखी है, बहुत तीखी वाली नहीं है ये, पर ये थोड़ी सी तीखी हैं, इनमें थोड़ा सा मिर्च का एक अलग टेस्ट है। और ये जो बड़ी बड़ी हैं ये बिल्कुल भी तीखी नहीं है, तो इनका टेस्ट थोड़ा सा अलग तरह का है। तो जो टिपोरे होते हैं उसके लिए आपको बेसिकली ऐसी मिर्चें चाहिए जो बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं होती, बट अगेन आपको अगर बहुत तीखा पसंद है तो आप उसमें दो चार तीखी मिर्चें मिला लीजिए, जस्ट दैट कि आपका जो टेस्ट है ना वो आपको मिल जाए, बैलेंस हो जाए। मेरे पास ये दो मिर्चें रखी हुई थी, मैंने बेसिकली बिग बास्केट से मोटी मिर्चें मंगाई थी, और वो भैया ने मुझे इतनी बड़ी बड़ी बस दो ला दी। मैंने सोचा था 8-10 आ जाएंगी, मैं उसका कुछ बना लूँगी, पर ये इतनी बड़ी बड़ी दो आ गया, मैं इसका क्या कर सकती थी। इसलिए मैं टिपोरे में इनको मिला रही हूँ। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, जब आप टिपोरे बनाएं तो मिर्ची ऐसी लीजिए जो बहुत तीखी ना हो। तो यहाँ पे लिया है मैंने सरसों का तेल, ज़रा गर्म हो गया है, तो इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ी सी राई, जीरा और थोड़ी सी इसमें जाएगी हींग, और इन चीज़ों को अच्छी तरह से आप थोड़ा सा पका लीजिए, भून लीजिए, और इसके बाद ऐड कीजिए इसमें हरी मिर्चें। और हरी मिर्चें थोड़ी सी फ्रेश वाली लीजिएगा, आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी मिर्चें आ रही हैं, जितनी फ्रेश होगी आपकी मिर्ची स्वाद उतना ही अच्छा आने वाला है। मिर्ची ऐड करने के बाद ऐड किया है मैंने इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर और थोड़ा सा नमक, नमक उतना जितना मिर्चों के लिए इनफ हो, मिर्चें पकने के बाद काफ़ी कम हो जाएंगी इसलिए नमक ज़्यादा मत डाल दीजिएगा। अब इसे हमें थोड़ी देर पकाना है, तब तक जब तक ये मिर्चें थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं, टिपोरे क्रंची नहीं होते हैं इसलिए बिल्कुल सॉफ्ट ही हमें पकाना है, अचार जैसा लगना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर में इसे ढक के पका रही हूँ, ये मिडवे हो गया है, तो इस पर मैंने डाला है सौंफ का पाउडर। सौंफ को मैंने कूट कर डाल दिया है, थोड़ा सा जो कोरिएंडर पाउडर है वो, और आमचूर का पाउडर। और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है सौंफ और आमचूर के पाउडर का, इसलिए ये दो आइटम स्किप मत कीजिएगा। सब कुछ अच्छी तरह से मिर्ची में मिला के मैं इसे और दो चार मिनट पका लूँगी। आप देखिए ये अब ड्राई हो गए हैं, थोड़ी देर पहले इनमें लिक्विड जैसा मॉइस्चर जैसा नज़र आ रहा था। आपको इन्हें तभी तक पकाना है जब तक इनका मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाए, इससे इनका जो लाइफ है ना, शेल्फ लाइफ, वो बढ़ जाती है। टिपोरे तो हो गए हैं रेडी, और ये आज जितने अच्छे लगेंगे ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छे कल लगते हैं। बनाइएगा और ज़रूर मुझे बताइएगा, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर आपको ये बहुत अच्छे लगने वाले, एकदम ईजी पीजी वाली रेसिपी है। दाल के लिए जो दाल हमने भिगोई थी उसे धोकर मैंने कुकर में ले लिया है। डाला है टमाटर, थोड़ी सी कसूरी मेथी, हल्दी, मिर्ची और धनिया का पाउडर, सारी चीज़ें साथ ही हम लोग कुकर में डाल देंगे। थोड़ा सा नमक इसमें स्वाद के हिसाब से, थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा आमचूर और जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और थोड़ा सा सरसों का तेल। अब ये सारी चीज़ें मिलाकर मैं इसमें यहीं पर पानी डाल दूंगी, और पानी आपको ऐसे डालना है कि अगर आपने एक कटोरी दाल लिया है तो कम से कम 2.5 से 3 कप आपको पानी लग जाएगा। और पानी डालने के बाद अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर दीजिए, और इसे 3-4 सीटी लगा लीजिए, और दाल आपकी हो जाएगी रेडी। इसके बाद हम बाद में इसमें लगाएंगे तड़का। और इसके बारे में भी बहुत सारे कमेंट पिछले कुछ वीडियोस में आ रहे हैं मुझे, ये मायर ने मुझे भेजा है, इसके ऊपर मायर लिखा है, तो आप समझ सकते हैं ये उन्होंने ही मुझे भेजा है। तो ये मायर की पेटेंट टेक्नोलॉजी है, वैक्यूम लॉक। इस धनिए को भी 2 हफ्ते हो गए हैं, मैं मुंबई गई थी उससे पहले मैंने ये स्टोर किया था, और देखिए इसकी अभी भी कितना अच्छा है ये देखने में। एंड देन आपको बस इसे घुमाना है, और इसका जो ढक्कन है ये खोलने के लिए तैयार है। इसको घुमाएंगे ना तो इसका वैक्यूम निकल जाता है। फिलहाल तो ये खाली हो गया है, पर जब आपको इसे भरना है ना तो वापस इसमें सामान डालिए, लिड लगाइए, ठीक है, लिड अभी आराम से लग जाइए, और इसके बाद इसे पंप कीजिए।
आप सुन पा रहे हैं इसमें से हवा निकल रही है, एक वक्त के बाद इसमें से बिल्कुल हवा नहीं निकलेगी, तो इसे घुमा दीजिए। ओके, ये लॉक हो गया है बिल्कुल, अब इसके अंदर बिल्कुल कोई हवा नहीं है और आपका सामान रहेगा फ्रेश फॉर लॉन्गर। हमारे लिए जितनी गाढ़ी है ना दाल बस परफेक्ट है। आपको अगर ये और पतली या गाढ़ी लगती है तो आप इस स्टेज पे इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लें। दाल हो गई रेडी, अब बस मैं इसको लगाऊंगी तड़का। इससे पहले ना मैं इसे जरा सा घुमा लूंगी जिससे ये थोड़ी ना एक रस लगने लगे। दाल पककर हो गई है रेडी, अब वक्त है उस पर लगाने का तड़का। और तड़का घी का बहुत अच्छा लगता है, आप चाहें तो आपकी मर्जी के तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ डाला है थोड़ा सा जीरा, एक सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग डालूंगी मैं, और इसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्ची कलर के लिए, एंड बस हो गया। और ये दाल बनाने में इतनी आसान है, इतनी आसान है कि जब आप इसे खाओगे ना या किसी को खिलाओगे भी तो वो अंदाज़ा ही नहीं लगा पाएगा कि इतने आसानी से ये बन भी गई। बस तड़का तैयार हो गया, इसे मैंने दाल के ऊपर पोर कर दिया, बिल्कुल ज़रा सा गर्म मसाला और हरा धनिया डाल के इन सब चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और ये सुपर यमी दाल हो गई आपकी तैयार। मैं बार बार कह रही हूँ यमी, आप एक बार बनाइएगा फिर मुझे बताइएगा, सच में बहुत यमी बनती है ये दाल। और इजी कितनी थी ये आपने देखा ही, अब आप इसको रेगुलर बेसिस पे कभी भी जब दिल चाहे तब बना सकते हैं, उन दिनों में भी जब आप लेज़ी फील कर रहे हैं। तो दाल तैयार हो गई, मिर्ची के टिपोरे तैयार हो गए, बस वक्त है चपाती कर लेने का। तो मैं पहले आटा गूंथ लूँगी और उसके बाद बनाऊँगी रोटियाँ। और मैं ज़्यादातर आटा जो है वो फ्रेश ही बनाना पसंद करती हूँ। फ्रेशली जब आप आटा तैयार करते हो ना, उसकी रोटियाँ पहली बात बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत आराम से रोटियाँ बनती हैं, दूसरी बात बहुत ही टेस्टी भी बनती हैं। एंड आटा है ना, जितना हो सके आप प्लीज़ स्टोर मत करके रखा कीजिए, ये गुदा हुआ आटा इसको स्टोर ना किया कीजिए। आई अंडरस्टैंड कि आजकल की लाइफ बहुत फास्ट है, बट ट्रस्ट मी, आटा गूंदने में 5 मिनट से ज़्यादा का वक्त नहीं लगता है। और ये एक्टिविटी करके हाथों की जो एक्सरसाइज होती है ये तो बोनस है। ये है दाल और ये तो मिर्ची है ना। हाँ, मिर्ची के टिपोरे पहचान लिया। एंड देन ये मूली। शर्मा जी बताओ, अच्छी लगती है ना? बहुत सही लगती है, जबकि पहले मुझे ना जब मैं छोटा था तो मेरे को इसकी स्मेल आती थी ना विनेगर की, तो मेरे को मन ही नहीं करता खाने का, जबकि हमारे वहाँ पे एक रले वो थे नेबर, उनके यहाँ पे हमेशा ही अवेलेबल होती थी। और ये है तिलबुग्गा। वाह। और रोटी, और खा के बताओ कैसा है, क्योंकि तुम्हारी फीडबैक से बहुत लोगों को बहुत यकीन होता है। जो मर्जी बस बताओ कैसा बना है। दाल इज ऑसम, कुछ अलग लग रही है लेकिन मुझे। हाँ, अलग तरीके से बनाई है। रोटी पूरी तो मुझे अच्छे लगते हैं। अब तेरे को क्या भी बताना। बहुत बढ़िया। अच्छा, कार का ही यूज किया ना इसमें सब? बाहर का नहीं, इसीलिए सब एकदम मस्त टेस्ट आ रहा है। मुझे ऐसा खाना खाने की बहुत इच्छा होती है। मुझे भी, इतने दिन से मुझे दाल खाने का मन करता रहता है। आज मैं कुछ और बनाने वाली थी, पता है चाइनीज बनाने वाली थी, मुझे नहीं यार, आज सिंपल दाल वाली थाली बनाऊंगी। बहुत मस्त किया।